इतिहास से कुछ जुड़ी अनसुनी बातें। पुरातत्वविदों ने मिस्र के राजा अमेनहोटोप 3 की 26 फुट लंबी मूर्ति खोजा। यह मूर्ति का निर्माण विशाल चूना पत्थर को काटकर किया गया था। पुरातत्वविदों को यह प्राचीन मूर्ति लक्सर के अमेनहोटोप 3 के मंदिर के खुदाई के दौरान मिली। अमेनहोटेप ने लगभग 3300 साल पहले मिस्र पर किया था शासन। उनकी मूर्ति की खोज मिस्र के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया जा रहा है। अमेनहोटोप 3 प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे। मूर्ति में राजा अमेनहोटोप के सिर पर नेवले के कार के मुकुट, एक शाही दाढ़ी और चौड़ा हार पहने हुए दिखाया गया। खोजबीन के बाद वैज्ञानिकों को अमेनहोटोप 3 की मूर्ति के सीने में एक स्क्रिप्ट भी मिली है। मिस्र के पर्यटन और पूर्वाशेष मंत्रालय के अनुसार वैज्ञानिक होरिक और सोर्सियन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यह मंदिर मिस्र के लक्सर में स्थित है। लक्सर को राजाओं को घाटी कहा जाता है। मिस्र के कई प्राचीन राजाओं के घर होने के साथ साथ सबसे पुराने और सबसे प्राचीन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस फुट लंबे स्किपिंस की मूर्ति के साथ टीम ने देवी सेखमेट की लगभग 3 मूर्तियां, सूर्य देवता के, शेर के रक्षक और एक बड़े खंभे वाले हॉल में भी अवशेष मिले। पूरे हॉल की दीवारों को समारोह और अनुष्ठान के दृश्य से सजाया गया। सब मनाने वाले सड़क के शुरुआत में बनी थी यह मूर्ति। इस अभियान का नेतृत्व करने वाले पुरातत्वविदों ने होरिक सोर्सियन ने स्किपिंग के प्राचीन मूर्ति खोज को काफी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा यह मूर्ति प्राचीन साम्राज्य के जुलूस मनाने वाले सड़क के एकदम शुरुआत में स्थापित की गई थी। इस सड़क पर हर साल खूबसूरत वैली फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था। एक बार होने वाले इस आयोजन में लोग अपने मृत प्रियजनों का याद में उपहार भेंट करते थे। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र के साम्राज्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। विशाल साम्राज्य दक्षिण में नूबिया से उत्तर सीरिया तक फैला हुआ था। 18वें राजवंश के शासक अमेनहोटोप 3 12 साल की उम्र में राजा बने। यदि वीडियो से कुछ जानने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।